हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मुंबई का महाकाली गुफा, जो फेमस जगह है एकदम। महाकाली गुफा के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज संडे का दिन है, अभी मैं घर पे हूँ, अभी मैं महाकाली गुफा के लिए निकल रहा हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह का ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ महाकाली गुफा पर। आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है महाकाली गुफा, अंधेरी ईस्ट महाकाली केव्स रोड में है महाकाली गुफा। यहाँ पे बहुत सारा कुछ देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में महाकाली गुफा के बारे में बताऊँगा, इसके अंदर कितना बड़ा गुफा है, कितना लंबा है, क्या क्या है, कौन सा सुरंग है, यह सब मैं आज के इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। आप लोग ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा। आइए दोस्तों, ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ और महाकाली गुफा में क्या क्या है वो सारी चीज़ आप लोगों को आज मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छा है। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स। अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, देखता है इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे डॉग है, ये है फ्रेंड्स महाकाली गुफा, मुंबई के महाकाली केव्स रोड पे महाकाली गुफा। सेम टू सेम घर जैसा है फ्रेंड्स, ये देखिए अंधेरा है बहुत, ये बहुत अंधेरा है इसके अंदर, इसके लिए मैं अंदर तक नहीं जा रहा हूँ यार। तो बहुत बड़ा है यार, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत अंदर है यार। ये देखिए, ये महाकाली गुफा महाकाली केव्स रोड में आता है, ये अंधेरी ईस्ट में। यहाँ पे अगर आप लोग मुंबई के अंदर से देख रहे हो मेरे को, तो मुंबई के अंदर से अंधेरी से कैसे आना है, घाटकोपर से कैसे आना है, कुर्ला से कैसे आना है, कितने नंबर के बस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लास्ट डेपो है, लास्ट स्टॉप है महाकाली गुफा।
ये फ्रेंड्स महाकाली गुफा महाकाली केव्स रोड में आता है अंधेरी ईस्ट में। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है महाकाली का लास्ट बस डेपो। अगर आप लोग अंधेरी ईस्ट से आ रहे हो तो अंधेरी ईस्ट से 333 नंबर की बस यहाँ पर आती है, ये है लास्ट स्टॉप। और अगर घाटकोपर साकिनाका से अगर आप लोग आ रहे हो तो 410 नंबर की बस यहाँ पर आती है, लास्ट स्टॉप है ये महाकाली गुफा बस स्टॉप का नाम है। आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। तो आइए आगे और मैं दिखाने वाला हूँ आपको ब्लॉग में, बने रहिएगा ब्लॉग में। ये देखिए यहाँ पे एक टावर बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत बढ़िया जगह है। सो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ महाकाली गुफा के ऊपर हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है महाकाली गुफा। महाकाली इसके नीचे है गुफा, मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया, अभी मैं गुफा के ऊपर हूँ। यहाँ से बम्बई का कुछ बहुत अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलता है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँगा। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के ऊपर एक बना हुआ टावर है। और जो नीचे रोड दिखाई दे रहा है ये है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, में थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड। और उसके ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है, ये आपको ब्रिज दिखेगा फ्रेंड्स, इसमें अभी मेट्रो का काम चल रहा है, मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है। ये है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, जो जोगेश्वरी कांदिवली बोरीवली दहिसर से लेके छाना मुलुन विक्रोली न्यू मुंबई वासी के लिए जोड़ता है, ये जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये एरिया है शिप्स एरिया है, शिप्स इंडस्ट्री है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके ऊपर जो आपको बड़ा बड़ा टावर दिखाई देगा ये है हीरानंदनी पवई एरिया है। बहुत कुछ यहाँ से देखने के लिए मिलता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग होएगा, आप लोग ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये है अंधेरी ईस्ट MIDC एरिया, जो MIDC इंडस्ट्री है। और सामने का उधर का आप लोगों को जो बड़ा वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है ये है तुर्बेनाका न्यू मुंबई वासी का पहाड़ है। और इसके नीचे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये झाड़ के नीचे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर शिप्स बस डेपो है, शिप्स का बस स्टॉप है यहाँ पर। और ये है पूरा शिप्स एरिया, शिप्स इंडस्ट्री, इसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, कम से कम यहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग काम करते हैं, वर्कर लोग हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्री शिप्स इंडस्ट्री है। और ये आगे का जो आप लोग दिख रहे हैं ये है MIDC इंडस्ट्री, MIDC अंधेरी ईस्ट MIDC एरिया। ठीक है, अभी मैं ये हुआ मैंने हीरानंदनी MIDC शिप्स का एरिया देखा है, अभी हो सकता है तो मैं उस तरफ का भी आप लोगों को एरिया दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पर आ जाना, अगर मेरे को मुंबई के अंदर से देख रहे हो तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, बहुत अच्छा जगह, एकदम गर्मी के टाइम में तो अभी इतना गर्मी नहीं है लेकिन गर्मी के टाइम में बहुत यहाँ पर हवा चलता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम बढ़िया जगह है। आप लोग भी छुट्टी के दिन यहाँ पे आके आराम से अपनी छुट्टियाँ मना सकते हो। यहाँ पे ये है जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के ऊपर बना हुआ टावर। सो फ्रेंड्स का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, महाकाली गुफा दिखाने के लिए मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बनाने जा रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और मुंबई का कोई भी जगह का अगर आप लोगों को वीडियो देखना है, कोई भी लोकेशन का आप लोगों को वीडियो देखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना लूँगा और आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगा मेरे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।